उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 13 जनवरी को डीएम ने स्कूल बसों के चालक व परिचालकों से किया संवाद, यातायात के नियमों का पालन करने के लिए किया प्रेरित। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन घर के बड़े बुजुर्ग करें, बच्चे उनके आचरण से सब सीख लेंगे। सड़क हादसों को रोकने के लिए बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करें, दुर्घटनाएं स्वतः कम हो जाएंगी। सड़क सुरक्षा नियमों के पालन से जीवन सुरक्षित रहेगा। उक्त बातें जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने एनपीएस पब्लिक स्कूल में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कही। जिलाधिकारी ने कहा कि शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जिस दिन अखबार में सड़क हादसे का जिक्र ना होता हो। भारत में प्रति घंटा 15 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है और इनके 3 गुना लोग घायल होते हैं। सड़क दुर्घटना में मौत होने के कई प्रकरणों की जानकारी होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते। उन्होंने कहा कि लोग जितना जागरूक स्मार्टफोन में स्क्रीन गार्ड लगाने के लिए रहते हैं, यदि उतनी ही जागरूकता सीट बेल्ट एवं हेलमेट पहनने में दिखाएं, तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत आधी हो जाएगी। देवरिया से नदीम खान की रिपोर्ट। पहले बाइक रोको, फिर कोई बात करो। माह के विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में नेशनल पब्लिक स्कूल देवरिया में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश होनकर जी, डीआईएस साहब, एआरटीओ साहब, विशेष रूप से कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय मिश्रा जी, कॉलेज की प्रधानाचार्या मधुला सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधकगण, प्रधानाचार्यगण, अन्य वरिष्ठ शिक्षक शिक्षकगण, इस विद्यालय के बहुत सारे शिक्षकगण और बच्चों को परिवहन करने वाले हमारे साथी ड्राइवर और अन्य चालकगण, परिचालक